हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एवेंजर्स एंडगेम के हिंदी ब्लूरे के बारे में। क्या एवेंजर्स एंडगेम का हिंदी ब्लूरे कभी तक आ सकता है और आएगा या नहीं आएगा फ्यूचर में, उसके बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में कहा था कि अगस्त 13 को अगर एवेंजर्स एंडगेम का ORG हिंदी ब्लूरे नहीं आता है तो मैं उस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को रीज़न बताऊंगा। तो मैं अगस्त 13 को ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं रात को बना रहा हूँ, करीबन कुछ 1 बज रहे हैं। मैं ड्रॉप करने वाला हूँ 14 अगस्त को, यानी कि आज ड्रॉप करने वाला हूँ। अभी तक आप लोगों को मिल भी गई होगी और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और जैसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में कहा था कि आप लोग मुझ पर भरोसा कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, तो जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था वो लोग फ़ायदे में निकले होंगे, क्योंकि एवेंजर्स एंडगेम का हिंदी ORG ब्लूरे नहीं आया है। और अभी बात करते हैं कि एवेंजर्स एंडगेम का ORG हिंदी ब्लूरे क्यों नहीं आया और कभी आ सकता है या नहीं भी आ सकता, उसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। तो बात करते हैं कि एवेंजर्स एंडगेम का ORG हिंदी ब्लूरे क्यों नहीं आया, तो इसके पीछे एक ही रीज़न है, जो कि है सोनी DADC कंपनी। जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि सोनी DADC एक कंपनी है जो कि मार्वल और डिज्नी के फिल्म्स को सबटाइटल डालती है, यानी कि ब्लूरे में सबटाइटल डालती है और उसके हिंदी ऑडियो को मिक्स करके हमें रिलीज़ करती है। तो वो कंपनी अब बंद हो चुकी है इंडिया में। तो अब भूल ही जाओ कि मार्वल और डिज्नी के फिल्म हमें मिलेंगे हिंदी ब्लूरे में, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन एक ही है कि डिज्नी वाले दूसरी कंपनी से डील कर ले, ताकि वो कंपनी मार्वल या डिज्नी की कोई भी मूवी हो उसके ऊपर सबटाइटल डाले और उसके हिंदी ऑडियो डाल के हमारे सामने रिलीज़ करे। अब यही एक रास्ता है, बस डिज्नी वाले दूसरी कंपनी से डील करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि हमें एवेंजर्स एंडगेम का हिंदी ORG ब्लूरे कभी देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में। तो उसका आंसर भी मेरे पास है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग आई बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक वीडियो नज़र आएगी जहाँ पे मैंने सोनी DADC की कंपनी के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया है। क्योंकि ये वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं बताया है, क्योंकि मैंने वो वीडियो में बता चुका था। तो इस वीडियो में क्यों टाइम पास करना, इस वीडियो में मुझे सिर्फ ब्लूरे के बारे में बताना था आप लोगों को, जो कि मैं बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि एवेंजर्स एंडगेम का हिंदी ORG ब्लूरे हमें कब तक देखने मिलेगा। तो दोस्तों, इसका भी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि जब तक एवेंजर्स एंडगेम हिंदी में कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस पे स्ट्रीम ना हो या फिर टेलीविजन में हिंदी में ना लगे, तब तक हमें एवेंजर्स एंडगेम की ओरिजिनल हिंदी ऑडियो नहीं देखने मिलेगी, यानी कि सुनने नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में 3 चीज़ बताई है कि एवेंजर्स एंडगेम का हिंदी ब्लूरे क्यों नहीं आ रहा था और एवेंजर्स एंडगेम का हिंदी ब्लूरे आ सकता है या नहीं फ्यूचर में, उसके बारे में। और जो तीसरा सॉल्यूशन बताया था, डिज्नी अगर कोई कंपनी से डील करती है तभी हमें प्रॉपर टाइम पे हिंदी ORG ब्लूरे देखने मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोग तीनों सॉल्यूशन समझ गए होंगे मेरे। और अभी भी आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई मूवी से रिलेटेड थियोरी हो या फिर रूमर हो, कुछ भी चीज़ हो आपको पूछना हो तो मुझे कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और कोई न्यू बंदा या बंदी हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलिए। गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैंने मेरे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो, MCO मास्टर मालूम है ना।